नमस्ते, चिंकी कुक में आप सभी का स्वागत है। चिकन पकोड़ा जो कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो हम किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने अच्छे तरीके से धो के एकदम बिल्कुल ड्राई कर लिया है। पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई कर लेना है आपको, जिससे कि इसमें थोड़े भी पानी ना रहे। उसके बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। मैंने करीबन 2 से 2.5 टीस्पून जो है वो सोया सॉस इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें टोमेटो केचप ऐड कर रहे हैं। करीबन 2 से 2.5 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। और बहुत खूब सारा लहसुन जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तो वही मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर चिकन जो है करीबन मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन लिया है। और कुछ हरी मिर्च जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है तीखापन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये जो चिकन पकौड़ा ना, जितना ये तीखा होगा वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से ज़रूर दीजिएगा। और नमक जो है वो हम यहाँ पर स्वाद अनुसार, मैंने करीबन यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक जो है वो इसमें ऐड किया है। और थोड़ा सा गरम मसाला और एक अंडा। 300 ग्राम चिकन में एक अंडा इनफ है, और इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। अब हम कॉर्नफ्लोर जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक बार में कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कभी मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम लेके देखेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो बाद में और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर करीबन मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर दही जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हाथों के सहारे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। और अगर आप जितना रखोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी इनफ होता है। यहाँ पर जो है 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं रिफाइन ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखूँगी। जैसे ये गर्म हो जाता है, उसके बाद हम जो चिकन पकौड़ा हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है, 2-3 घंटे सेट हो चुका है वो, अब मैं उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। दोनों तरफ अच्छे तरीके से फ्राई करने होंगे। ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी एक रेसिपी है। चिकन पकोड़े को आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, और इसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको और एक चीज़ बहुत ध्यान रखना होगा कि जब हम इसे पकाएंगे ना, तो बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाना है आपको, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए हम चिकन को जब पकाएंगे इस पकोड़े को, तो हम बिल्कुल लो फ्लेम में रखते हुए इसे पकाना। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पकने में, लेकिन हमें लो फ्लेम में ही इसे पकाना होगा। और देखिए ये जो है काफ़ी हद तक बन चुका है, लेकिन और भी ये थोड़ा सा बनने में अभी भी वक्त है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे बनने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगती है। इससे मुझे हौसला मिलता है। और यहाँ पर देखिए चिकन पकोड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं अब इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आज की ये रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। How did I make you mine?